फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको उलेन सूट पे उलेन सूट रखकर कटिंग करना बताऊंगी। जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी कटिंग नहीं आती है, काफी टाइम से कमेंट्स आ रही थी कि मुझे उलेन सूट की कटिंग बताइए। तो आप अगर बिगनर है, आपको इंची टेप से नाप नहीं लेनी है, तो आपको उलेन वाला सूट लेना है, क्योंकि उलेन सूट थोड़ा सा लूज रहता है, थोड़ा सा उसका लंबाई चौड़ाई सब थोड़ा ज्यादा रहता है। इसलिए हमें सिंपल सूट से नहीं कटिंग करनी है, हमें उलेन सूट से ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये वाला नाप है और ये वाला फैब्रिक है, तो फैब्रिक को हमको पहले बैठाना कैसे है वो देखिए। तो पहले ये नाप को हमने हटा दे है, और ये है इसका फैब्रिक कपड़ा। इसको हमने डबल लेयर में लिया हुआ है, ये देखिए, ये और फिर ये दो लेयर में लिया। उसके बाद यहाँ पे लगी हुई है बटन, तो ये बटन हमें रखना है यहाँ पे नेक के नीचे। तो ये बॉर्डर है बनी हुई, तो इसके बीचों बीच हमें इसको ऐसे रखना है, ये देखिए, इस तरीके से इसको लेंगे। हमें कॉलर वाली बनानी है, तो पहले डिजाइनिंग को हमें सेट करना है। यहाँ तो यहाँ हमने बॉर्डर को अच्छे तरीके से सेट कर लिया, ये बाजू के लिए जाएगा। अब इसके ऊपर हमें नाप डालना है, तो यहाँ हमने नाप लिया है, इसी नाप का हमें बनाना है। तो कुर्ती को हमें इस तरीके से डबल लेयर में लेना है ऐसे। अब इसके बाद आपको जितना भी इसका लंबाई रखना है रख सकते हैं, तो ये लंबाई पूरा हो रहा है तो हमें पूरा रखना होगा ऐसे। इस तरीके से लंबाई ले लेंगे सही तरीके से। पहले इसको सेट कर लेते हैं, दोनों पल्ला हम एक बार में ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, पहले इसको हमने सही तरीके से सेट कर लेना है हाफ इंच जितना, तो ये स्टिचिंग में जाएगी। अब इसको सही तरीके से बैठा लेते हैं, ये तो यहाँ पे हमने सही तरीके से बैठा दिया है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जहाँ से दामन खुलती है वो वाला निशान लगाएंगे। तो यहाँ से दामन खुलेगी, वो निशान हमने लगा दिया। अब ऊपर का देखिए, ये तो यहाँ से आर्म होल जाएगी, यहाँ ऐसे रख लेते हैं, यहाँ से आर्म होल खुलेगी वो वाला, और ये कटिंग होगी वो वाला। अब इसकी फिटिंग की निशान लगाते हैं, तो इससे हमें एक एक इंच लूज बनाना है। तो हम एक एक इंच लूज पे मार्किंग करेंगे, नीचे थोड़ा सा और बढ़ा के हमें इतना लूज बनाना है। उसके बाद इसी साइज से हम इतना इतना लूज नीचे भी मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद अब हमें इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है मार्जिन के लिए, कभी कभी कपड़ा ज़्यादा रहता है तो आपको लूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ से ये वाला मार्किंग ऐसे लगाएंगे, तो ये जाएगा नीचे दामन, साइड वाला दामन, ये मार्किंग हमने लगा दिया। अब हमें यहाँ लेना है ऊपर वाला, ये नेक, नेक हमें बिल्कुल इसी के साइज से बनानी है। अब आर्म होल, अब यहाँ से हमें ये इतना ये लेना है, यहाँ से खुले सिलाई होगी हाफ इंच एक्स्ट्रा। अब इसको हम इस तरीके से लेंगे और ये वाले आर्म होल को ऐसे लेंगे और इसमें मिलाएंगे, और उसके बाद एक से डेढ़ इंच हमें इसमें गोलाई चाहिए, ये थोड़ा सा और इसमें बढ़ा के मिलाना होगा, क्योंकि ये उलेन है, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो सही रहेगा। अब यहाँ से ये नेक, नेक हमें सेम इसी के डिज़ाइनिंग की बनानी है, ये अब इसको हटा देते हैं ऐसे ऐसे, पहले कर लेंगे इसी का मार्किंग लगा देंगे ऐसे, ये देखिए। उलेन का शोल्डर थोड़ा हमें ज्यादा रखना होता है, तो पहले नेक की हम कटिंग नहीं करेंगे, इस तरीके से पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहां से आर्म होल खुलेगी ऐसे, थोड़ा थोड़ा और हमने बढ़ा लिया है, यहाँ से इसका फ्लावर पूरा बराबर होना चाहिए।
हमने 1 इंच थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, ये देखिए, क्योंकि उलेन है थोड़ा लूज ही रखना है। यहाँ से चाक का जाएगा सिलाई, ये देखिए। उसके बाद दोनों पल्ला को हम अलग अलग करके दोनों का, ये कॉलर वाली बनानी है तो पीछे से बस 1/2 इंच होगा कम, इस तरीके से लेना है ऐसे, फिर इधर से ये ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ अब इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ से एक बटन हमें हटाना होगा नेक बनाने के लिए। ये डिजाइनिंग नेक की हमें बनानी है, ये इतना इधर सिलाई में जाएगा, इतना इधर जाएगा। ये उलेन है तो थोड़ा सा शोल्डर ज्यादा रहता है। अब पीछे का 1/2 इंच छाटेंगे, इसको हटा देते हैं, 1/2 इंच पीछे का कटिंग कर लेते हैं। ऐसे उसके बाद इसको लेना है, इसके ऊपर इसको डालना है और 1/2 इंच सिलाई लगाना है। इस पे इसी तरह पकड़ते हुए तो 1/2 इंच सिलाई के लिए इसमें छोड़ देंगे और इतना हमें छाट लेना है कॉलर के लिए। अब कटिंग करते हैं बाजू की, तो इसमें आगे पीछे दोनों हो गया है। अब बाजू की कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए। तो ये बचे हुए फैब्रिक से हमें बाजू निकालना है, तो इससे बाजू निकालेंगे। ये बचे हुए फैब्रिक से जितना बड़ा बाजू होगा उतना बड़ा हम बाजू निकाल देंगे। तो यहाँ से हम बाजू निकालते हैं ऐसे रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से लेना है। और उसके बाद बाजू जितना बड़ा इसका लंबाई होगा हम उतना ही बड़ा लेंगे। इसको इस टाइप से लेते हैं ऐसे, तो इसका इतना बड़ा बाजू होगा उतना ही हम निशान लगाएंगे, ये देखिए ये रेडी। और इतना हमें मार्जिंग चाहिए। उसके बाद यहाँ से हमें ऐसे शेप देना होता है, करते हैं इसकी कटिंग। ये हो गया बाजू, दोनों बाजू इसमें हमने कटिंग कर लिया। अब कॉलर की कटिंग करेंगे, तो वो करते हैं। तो इधर से साइड से जो भी फैब्रिक निकला है इधर साइड से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स कॉलर हमें कटिंग करना है, तो ये वाला हमने फैब्रिक लिया है। अब इसके ऊपर यही वाला कॉलर डालकर नाप ले लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये कॉलर हमने ऐसे डाल दिया। अब यहाँ से ये रेडी वाला है, यहाँ से ये रेडी वाला है इस तरीके से, ये। अब इतना हमें अंदर के लिए लेना होगा, फिर इधर से इतना। अब करते हैं कटिंग, तो ये लेना है ऐसे, ये। उसके बाद इसको हमें ऐसे छांट देना है और नीचे से थोड़ा सा शेप देना है, ये इस तरीके से कॉलर लग जाएगी गले पे ऐसे। यहाँ से हमें बराबर कर लेना है, तो ये बराबर हो गई, तो सारी कटिंग हो गई। अब चलिए साड़ी की व्यू दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हमने नेक की पट्टी नहीं कटिंग किया था अभी, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक बचे हुए ले लिए हैं ऐसे, इसको ऐसे डबल डालना है। डबल डालने के बाद इसको ऐसे रखना है, उसके बाद इसको इसके ऊपर डालना है ऐसे। बस सेम इसी साइज से हमें कटिंग करना है।
फिर इधर से इसको हटाना है, फिर यहाँ से इधर से सेक देना है। ये हो गई नेक की पट्टी, फ्रंट वाले की ये पट्टी हो गई, बैक वाले की हमने कॉलर कटिंग किया है। तो अब दिखाती हूँ सब। तो फ्रेंड्स यहाँ आगे का पल्ला हो गया, ये हो गया नीचे, हमने पीछे वाला पल्ला रखा है, ये बाजू रखा है, ये नेक वाली पट्टी रखा है। मैं स्टिचिंग की वीडियो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि हम इस टाइप की कुर्ती की स्टिचिंग कैसे करते हैं। कलर की कटिंग हमने बता दिया। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।